हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने खास उन भारतीय नारियों के लिए बनाया है जो अपने पति का और अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए अपना खुद का कैरियर और अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। आज मैं आपको जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ उससे आप अपनी फैमिली को तो ग्रो कर ही पाओगे, लेकिन आप अपने आप को भी बेहतर बना पाओगे। आपके अंदर जो टैलेंट या स्किल छुपा हुआ है उसको आप डेवलप कर पाओगे और अपने आप को भी एक ग्रेट पर्सनालिटी बना पाओ। इस टेक्निक को बताने से पहले मैं आपको अपनी दो दोस्तों की स्टोरी बताना चाहूँगा। इसमें से एक है अनामिका। अनामिका की 12th स्टैंडर्ड के बाद शादी हो गई और वो हाउसवाइफ बन गई, लेकिन शादी के बाद उसको पता चला कि 1 से 4 का जो दोपहर का टाइम है उसको फ्री मिलता है। उस फ्री टाइम पे वो टीवी की सीरियलें देखती थी, लेकिन एक दिन उसको बैठे बैठे विचार आया कि इसी समय का इस्तेमाल करके मैं LLB कर दूँ। तो इसलिए उसने नेक्स्ट ईयर LLB का फॉर्म भरा और LLB स्टार्ट कर दिया। 6 साल में उसने LLB और LLM दोनों कर दिया और एक एडवोकेट बन गई। उसके बाद उसने प्रैक्टिस चालू की और आज उसके घर में ही उसकी ऑफिस है और महीने के 1 लाख से भी ज़्यादा वो इनकम कमाती है। दूसरी मेरी फ्रेंड डिम्पल, वो भी हाउसवाइफ थी। उसको भी कॉलेज बीच में से छोड़ना पड़ा, आगे पढ़ ना पाई, शादी हो गई थी, लेकिन उसके दिल में एक दुख हमेशा रहा कि मुझे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ करना था और मैं हाउसवाइफ बन के रह गई। फिर मैंने उसको एक बार कहा कि दोपहर को तुम्हें फ्री टाइम मिलता है क्या? उसने कहा हाँ 2-3 घंटे मिलता है, मैं उसमें टीवी की सीरियल ही देखती हूँ। मैंने कहा तुम्हें पहले से योगा का शौक है, तुम्हारा बॉडी भी ऐसा है कि आसानी से मोल्ड हो जाए, तो तुम एक काम करो, योगा की ट्रेनिंग लेना चालू कर दो, योगा सीख लो बराबर। उसके मन में ये बात बैठ गई। उसने योगा टीचर्स ट्रेनिंग लेना शुरू किया और 1 साल के अंदर ही योगा एक्सपर्ट बन गई। इस तरह की बहुत सारी लेडी ट्रेनर मेरे कॉन्टेक्ट में हैं जो एक समय में हाउसवाइफ थी और आज एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर है। दोपहर का इसी समय का इस्तेमाल करके वो लोग थोड़े ही साल में ट्रेनर बन गई। तो इन लोगों ने किया क्या, ये लोग ऐसे सक्सेसफुल बन कैसे पाए? उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये जो 2-tier टाइम मैनेजमेंट के सिस्टम है उसको इन लोगों ने फॉलो किया। इस सिस्टम के हिसाब से हमें पूरे दिन में जो 24 घंटे मिलते हैं उसमें से 8 घंटे सोने में जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में चले जाएंगे, नहाने में चले जाएंगे, और जो बचे 14 आवर्स उसमें से 12 घंटे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम हमें करना है। यानी अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपको अपने घर का काम करना है, लेकिन उसमें से 2 घंटे निकाल के आपको कोई टैलेंट डेवलप करना है, यानी भविष्य में आप जो टैलेंट चाहते हैं, जो पोस्ट चाहते हैं, जो स्किल चाहते हैं, उसके पीछे आपको समय देना है। अनामिका एंड डिंपल ने कहा कि मिलन, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगाड़ के कुछ भी नहीं किया है। हमने दोपहर का जो हमारा टीवी का टाइम था वो हमने स्टडी में दिया, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, और उसमें ही हम लोग एक सक्सेसफुल वुमेन बन गए। इवन वर्ल्ड की नंबर 1 करोड़पति लेडी ओपरा विनफ्रे, इसने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये मुकाम हासिल किया। वो एक कॉमन क्लर्क की जॉब करती थी और शाम को घर आने के बाद फ्री जो 1-2 घंटे मिलते थे उसमें उसने स्क्रिप्ट लिखनी चालू की। उसको कपल के झगड़ों में बहुत इंटरेस्ट था, उसके ऊपर उसने फ्री टाइम में रात को बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख डाली और एक बार उसको एक टीवी शो में चांस मिला इंटरव्यू लेने का कपल का। वो इतना फेमस हुआ उसके बाद तो उसने 1-2 साल में ही अपना खुद का स्टूडियो खड़ा कर दिया और 3 साल में वो करोड़पति बन गई और आज वो वर्ल्ड की नंबर 1 करोड़पति लेडी है इसी 2-tier सिस्टम की टेक्निक का इस्तेमाल करके। यानी प्रेजेंट में जो वो कर रही थी उसमें तो उसने 12 घंटे दिए, लेकिन जो 2 घंटे फ्री मिलते थे वो अपने भविष्य के लिए दिए और देखिए भविष्य कैसा बना। तो आप भी आज से डिसाइड कर लो कि आप भी ये 2-tier सिस्टम का इस्तेमाल करोगे। दिन के 12 घंटे आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें दोगे, लेकिन 2 घंटे आप कोई टैलेंट डेवलप करोगे, कोई स्किल डेवलप करोगे। आपके भी बहुत सारे सपने अधूरे रह गए होंगे, आप भी कुछ बनना चाहते थे लेकिन बन ना पाए, पर इस 2-tier सिस्टम का इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो और एक ग्रेट पर्सनालिटी बन सकते हो। तो आप सुन रहे थे मिलन शाह को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये वीडियो से कोई और भी मोटिवेट हो पाएगा तो अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे कन्फ्यूज़न है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में वो टॉपिक ज़रूर लिखें। अगर आप इस तरह के लाइफ डेवलपमेंट वीडियो में इंटरेस्टेड है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और उसके बाजू में दिया हुआ बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।